अजीत पवार के विद्रोह से महाराष्ट्र की सियासत में फिर से भूचाल आ गया है। माना जा रहा है कि इस विद्रोह से शरद पवार की राजनीति को एक बड़ा झटका लगेगा, जिससे उबर पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले भी अजीत पवार ने बगावत की थी और काफी सारे विधायकों को लेकर चले गए थे। अजीत पवार और विधायकों को वापस लाने के लिए शरद पवार को जोर आजमाइश करनी पड़ी थी। मुश्किल से गुरुग्राम तक गए विधायक पार्टी में लौटे थे, लेकिन इस बार शरद पवार के लिए इस चुनौती से निपटना मुश्किल लग रहा है। दूसरी ओर अजीत पवार के बगावत को लेकर अब यह सवाल उठ रहा है कि अजीत पवार ने बगावत क्यों की। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसके कारण को लेकर भी दो तरह की थ्योरी चल रही है। पहली ये कि बीते दिनों पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद से शुरू हुए नाटक के बाद जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल और बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया, उससे पार्टी का एक बड़ा धड़ा नाराज चल रहा था, जिसके कारण अजीत पवार ने चाचा से अलग होने का फैसला लिया। वहीं दूसरी थ्योरी के हिसाब से अजीत पवार और उनके समर्थक विधायक पटना में विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने और उन्हें सहयोग देने के शरद पवार के एक तरफा फैसले से नाराज थे, जिसके कारण उन्होंने एनसीपी से अलग होने का निर्णय लिया। इसके साथ ही अजीत पवार की बगावत के बाद एक और बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे पूरी शिवसेना अपने साथ ले गए, क्या उसी तरीके की चुनौती शरद पवार के सामने आने वाली है। हालांकि अभी तक की जानकारी के हिसाब से ऐसा नहीं है। विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनमें से 30 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, जबकि पाला बदलने के लिए यानी दल बदल कानून से बचने के लिए अजीत पवार को एनसीपी के 36 विधायकों का साथ चाहिए, लेकिन पार्टी के ज्यादातर विधायक शरद पवार के समर्थक हैं। इस स्थिति में उनका पाला बदलना मुश्किल है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।